डबल इंजन के सरकार का थे मोदी मारा तो बिल्कुल कर नहीं भाई बातर कहे खाली मुंह में कहते कथे नीच करे हर। नहीं नहीं मोदी तो गारंटी वो गारंटी वाला है सिखाना हाँ। है। सबक सिखाना है आदिवासियों लिए बीजेपी सरकार कुछ नहीं की है नहीं। आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया नाम का बना दिया सरकार है बोलते हैं मोदी जी को लेकिन सिंगल इंजन के ताकत तो दिखा दे नमस्कार आप देख रहे हैं छत्तीस तक का सबसे बड़ा डिजिटल लेवल छत्तीस तक मैं नरेश शर्मा इस वक्त हम हैं सारंगढ़ राज परिवार के परिसर में जहां पर कई मतदाता अपनी नई प्रत्याशी डॉक्टर मेनका देवी सिंह से मिलने पहुंचे हैं आइए उनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वो अपना वोट करेंगे और उनको नया प्रत्याशी मिला है और क्या वो सोच कर वोट करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में क्या सोच कर आप वोट करेंगे लगातार पच्चीस सालों से सीट कब्जे में है भाजपा के क्या सोच के अपन वोट करवा तुम पहले कमला कुमारी हमार में कैबिनेट मंत्री भी विधायक रही तो हम यहाँ बांध बनवा दी से, वो में धान कमाते किसान आदमी हैं हम जहाँ स्कूल में स्कूल खोलवा से हमारे लोग में हमार सब वहाँ पढ़ीन है वही वो गुण ला देख के पहले रायगढ़ में एम सांसद बहनी हर पुष्पा देवी पुष्पा देवी वो गुण ला देख के हम तो कोई पार्टी के न लेकिन अभी हमला कांग्रेस में ओकरे पर रुचि लागत है पहली पुरखा के जमाना में इवन के चल में बढ़िया चलत रही आ अभी बीजेपी के जितके दिन ले शासन बासन चलत है जो अच्छा नहीं चलत है वही देख के वोट देना में चाहत हाँ अच्छा नहीं चलत है बीजेपी में का वादा करते वादा कर नहीं पूरा नहीं हो <laughs> डबल इंजिन के सरकार कथे मोदी मरा तो बिल्कुल नहीं भाई गोट भातला खाली मुँह में कहते कत कर नीच करेर कांवला हमार यहाँ ले रायगढ़ जहाँ तो कोई जगह के रोड है ठीक नहीं है अभी पैसा दीह कही महिला मल्ला कतकी के आई नहीं सब में इन खड़े हैं तुम्हें प्रमाणित एक ठीक देते हम खाता में कतकी पैसा है मोर खाता है तुम देख लो बैंक में पैसा हम धान ल खुद बेच के हम पैसा नहीं मिलत है नहीं मिलत है नहीं मिलत है इतकी तकली पात हन नहीं है तो वाला कौन सोच के हम माने किसान मन वोट ला देबो जोहर ही फेर साय सरकार तो साय साय मन काम करे लगातार साय साए काम होते साय साय पैसा आते साय किसान मन खुश होते महिला मन के खाते में साय पैसा जाते क्या लगा झूठ बोलते झूठ बोलते थे क्या लबारी हाँ हो झूठ ओकरे खातिर पसंद नहीं आते तो कांग्रेस ला वोट देबो कहा वोट आप बताएंगे लगातार जिस प्रकार यह सीट में आए हैं और यहां सांगर राजघराना से प्रत्याशी बनाई गई है क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के मैं तो सेवानिवृत्त होकर एक सामान्य नागरिक हूं जी क्या जिस प्रकार भाजपा पंद्रह साल बीस साल राज किया कर्मचारियों के हित के लिए <laughs> मैंने कुछ नहीं किया कुछ जैसे संविदा कर्मचारी बोलते रहे आज मेरे जो चिकित्सक साथी हैं आज बीस बीस साल हो गया संविदा ही कर्मी है जैसे डॉक्टर लोग पूरा बनांचल में सामान्य हर जगह है यहाँ तक कि जो बीस एक जगह है वही है ना उसकी कुछ नीति नहीं नहीं बन रही उन लोगों का वही जीवन खपत हो जाएगा पूरा हाँ। तो वादा खिलाफी कर रही है वादा खिलाफी कर रही है यहाँ तक कि अभी मुख्यमंत्री बने हैं विष्णु देसाई जी उनके एरिया में भी बहुत सारे संविदा ही चिकित्सक हैं स्टाफ़ नर्स स्टाफ पैथोलॉजी स्टाफ आयुर्वेद चिकित्सक त्रिवर्षीय डॉक्टर जो भी हैं अब इसके बाद में अब सेवानिवृत्त बाद किसान हो गया हूँ गांव में रहता हूँ मैं जब भी देखा हूँ मेरे बरह के एरिया में पठिया पाली बांध है मारोदरा बांध है और जामजोरी बांध है जब से बना है एक बूंद पानी नहीं मिला है।, है किसानों को नहीं मिला है नहर बना है बस घोषणा भर कर रहे हैं लोग किसानों की हित सुनेंगे का कि जब तक बांध ही नहीं बनेगा पानी नहीं आएगा बांध बन गया है वहां से पानी नहीं आ रहा है बांध बांध इसके लिए हम लोग शासन प्रशासन कई बार अवगत कराए कुछ नहीं हुआ है आप क्या मान रहे हैं कि क्या भाजपा अच्छा काम कर रही है मोदी की गारंटी से कितना खुश है आप लोग नहीं नहीं मोदी तो गारंटी वो गारंटी वाला है कुछ नहीं किया है कुछ नहीं करते हैं गरीब लोग को तो ऐसे परेशानी है कि मैंने यहाँ के मैंने खाना पीना उनका वही हो जा रहा है जी मैंने एक मिनट के लिए जैसे आप गरीब लोग जैसे आप हैं वो दे देते हैं और जो महिला लोग अभी चार महीना से मंत्री बन गया आ, तीन महीना तीन महीना तो तीन महीना के लिए मैंने जमा तो करते करते हैं एक महीना का दिया एक महीना का दिया है और कौन गारंटी कौन गारंटी बोलता है माने मोदी अब मोदी बोलते हैं तो किसान मन भी खुश नहीं है तो किसान मन ला बढ़ बार पैसा दी से एक क्विंटल बैंक तो 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 में।, में जाते हैं आते हैं और पैसा नहीं देते हैं वहाँ पैसा नहीं है घूम घूम के थक गए तो इसलिए हम मैंने जैसे कांग्रेस को हम वोट देने के लिए हम खड़े हैं इस बार मतलब सबक सिखाना है हाँ, सबक सिखाना है।, है मोदी को सबक सिखाना है मोदी को सबक हा और राहुल गांधी को हम बनाए मंत्री बनाएंगे प्रधानमंत्री हमारा हाँ, सोचा है नरेंद्र मोदी की जगह प्रधानमंत्री बनाने के लिए राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है आप क्या मान रहे हैं कैसा माहौल है अभी और भाजपा कार्य की हम लगातार जीत रहे हैं और लोगों काम कर रहे हैं आपको क्या लगता है नहीं लग तो हम कांग्रेस ही जीतेंगे क्योंकि जब से मैं तो आदिवासी हूँ जी आदिवासी हूँ आदिवासियों के लिए बीजेपी सरकार कुछ नहीं की है तो अभी आदिवासी मुख्यमंत्री तो आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिए हैं नाम का बना दिए हैं बस चलाने वाले तो कोई और हैं हमारे राज परिवार से भी वही आदिवासी क्षेत्र से आते हैं इसे हम उम्मीद है कि हम आदिवासियों के लिए कुछ हित में काम हो बस इतना कहना चाहता हूँ क्या नाराजगी है अभी लगातार भाजपा की सरकार डबल इंजन की सरकार बन गई है काम नहीं हो रहा है क्या लोगों का नहीं ऐसा नहीं है कहीं कहीं हो रहा है कहीं कहीं नहीं भी हो रहा है जी जहाँ तक ये बात है आदिवासियों की आदिवासियों को बहुत छला जा रहा है बीजेपी की तरफ छला जा रहा है अब लोकसभा चुनाव की बारी है आप लोगों को वोट देने की जी मेनका देवी सिंह जी डॉक्टर मेनका देवी सिंह जी हाँ प्रत्याशी हैं क्या लगता है आपको भाजपा के राधे राधेश्यामराठिया और डॉक्टर मेनका देवी सिंह उनका है लेकिन हमारे इधर से पूरा हंड्रेड परसेंट जीतेंगे कांग्रेस कांग्रेस पूरे जीतेंगे जी, जी। आप बताएंगे आपको क्या लगता है मुद्दे जो हैं भाजपा कहती है, है मोदी की गारंटी है हम हर वादा पूरा कर रहे हैं और विशेष सरकार लगातार वादे भी कर रही है क्या लग रहा है आपको जी मैं एक बेरोजगार किसान परिवार से हूँ मोदी की गारंटी मोदी की गारंटी कहते हैं लेकिन मोदी की गारंटी एक्चुअल में यह है कि उनकी जो गारंटी है वो फेल होने की गारंटी ज़्यादा है फेल होने की गारंटी फेल होने की गारंटी है उसका कोई भी जैसे गारंटी देते हैं ना हर में काम हर कोई काम ना ढंग से होता नहीं है जैसे अभी महाधरीबंधन है तो उसमें किसी के खाते में पैसा नहीं आया किसी में आया है तो कम आया हज़ार रुपया देने की बात है तो पाँच सौ रुपया दे रहे वो किस बेस पे पाँच सौ रुपया ही है यह सब पाँच सौ रुपये भी आया है पाँच सौ रुपये भी आया मैं कई जने का दिखा दूँगा जी तो हज़ार रुपया देने के हैं पाँच सौ रुपया दे रहे हैं तो पाँच सौ का करेंगे क्या और कैसा उनके मन में बहुत विचलित तो गांव में बहुत से जो आम जनता होती है या महिलाएं होती हैं जिनको पता नहीं होता है कि कैसे आया क्या करें समझ में नहीं आता जी और यहाँ बीजेपी वाले ना हिंदू मुस्लिम मंदिर धर्म के नाम पर ज़्यादा लड़ते हैं जबकि आज शिक्षा पे बेरोज़गारी पे किसानों पे गरीब पे इनकी कोई बात होती नहीं है कोई बात नहीं होती कोई आप किसान हैं किसानों को तो कई वादे पूरा किए हैं विश्ववेश्वर सरकार ने सरकार बनते ही उनका ना किसानों के करने का नाम है एक्चुअली में किसान की जो सरकार है वो आ, किसान का जो साथ देता है वो कांग्रेस देता है बीजेपी नहीं देता है वो दिखावा का काम करती है तो क्यों बदल गए वो क्यों बदल गए वो जो मतलब भूपेश बघेल सरकार क्यों चली गई फिर अब होती है यहाँ नब्बे सीट है नब्बे सीट में कुछ क्षेत्रों में शायद उनको पसंद नहीं किया होगा एक्चुअली आप देखिए जहाँ जहाँ किसान क्षेत्र है वहाँ हर कांग्रेस की सीट आई है हर कांग्रेस की सी सीट आई है जी आप क्या कहेंगे आप तो गांव से आए हैं और गांव में लगातार कर रहे हैं कि भाजपा की हर गारंटी पूरी हो रही है विश्व सरकार अच्छा काम कर रहा है डबल इंजन सरकार है।, है और मोदी जी अपनी गारंटी को लेकर चल रहे हैं डबल इंजन की सरकार है बोलते हैं मोदी जी को लेकिन सिंगल इंजन के ताकत तो दिखाते पहले तो डबल इंजन का सरकार बोलेंगे अपने आप को देखिए पहले जब पंद्रह साल से यहाँ बीजेपी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में कुछ वैसे हुआ ही नहीं पाँच साल में जब भूपेश बघेल जी आए लोगों को भूमि मैं तो गरीब हूँ हमारे पास कोई ज़मीन भी नहीं गरीब को भी समझे भूपेश बघेल जी कांग्रेस मेरे दादाजी पिताजी को भूमिहीन की प्राप्ति मिली किसान को तो देते थे मोदी जी छः हज़ार रुपये तो भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में आकर सोचा कि मैं गरीब को भी देखूंगा ठीक है किसान को तो दे रहे हैं गरीब को कोई नहीं दे रहा है तो गरीब को भी कुछ राशि प्राप्त हो सरकार से मतलब आप मानते हैं गरीब और गरीब होते जा रहे हैं अमीर हाँ। और अमीर होते जा रहे हैं और मतलब। वाकई में भी पीछ रहे हैं आप लोग हाँ। बीजेपी की सरकार होने से ही छत्तीसगढ़ गरीबी की स्थिति में है जब भूपेश बघेल जी आए थे तो गरीब को भी साथ में लेकर चल रहे थे मैं रोजगार युवा से भी जो भी पच्चीस सौ की राशि प्राप्त हो रहा था वो भी चला गया और मोदी जी ने कभी भी अस्पताल और स्कूलों के बारे में कभी नहीं सोच रहे थे सिर्फ भूपेश बघेल थे ने जो आत्मानंद स्कूल का खुलवाए फिर मेडिसिन भी कम करवाए थे उनका भी लाभ हो रहा था और बहुत ही कम राशि से दवाइयाँ भी मिल रहे, रहे थे ओ, दो जानकारी ले दो बेरोजगारी भत्ता जब शुरू हुआ था चौन चुनाव के समय शुरू हुआ था पिछले साढ़े चार साल तक उन्होंने शुरू नहीं किया और दवाइयों की जो बात हुई वो मोदी की गारंटी है जो कम दरों में दवाइयाँ दा, मिलती है छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी कर ली लेकिन फिर भी आप भूपेश बघेल सरकार की बात करें कि काफ़ी बड़े बड़े काम किए हैं और विष्णुदेव सरकार नहीं कर पा रही नहीं विष्णु देसाई जी अभी देखिए पंद्रह साल से पहले किसानों की बात है तो पहले पंद्रह सालों से किसानों का जो बोनस, बोनस का, का? हाँ बोनस का बोले थे नहीं दिए कुछ वर्ष दिए एक दो वर्ष नहीं दिए अब क्या है कि फिर चुनाव आने के कारण भूपेश बघेल जी आ गए उनका लगा कि आप हमारा पत्ता तो गोल है छत्तीसगढ़ में सिर्फ कांग्रेस आ चुके इसीलिए वो पहले का बोनस देने का लागू किए थे अभी भी देखिए मातारी वंदन योजना लागू किए हैं कुछ वर्ष देंगे तो देंगे फिर ये भी ख़त्म होगा और हमें ग्रांटी मोदी जी की नहीं लग रहा है ग्रांटी बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं करते नहीं है। हाँ जी आप बताएं मोदी की गारंटी को लेकर जिस प्रकार ये सवाल उठा रहे हैं कि वादे पूरे नहीं होते चाहे महातारी वंदन योजना हो चाहे किसानों की बात हो भूपेश बघेल अच्छा काम करते क्या लगता है आपको हाँ वास्तविक में एक्चुअल देखा जाए अभी हमारे छत्तीसगढ़ में तो महतारी बंदना जो राशि जो दे रही सरकार अभी तो किसी के खाते में तो जैसे पेंशनर लोगों का है पेंशनर लोग जितने हैं उनके राशि मतलब पाँच सौ रुपया तो पहले से हमारे भूपेश सरकार दे रही थी उसमें क्या है पाँच सौ रुपया जोड़ दिए हैं पाँच सौ रुपया वो दे रही है अभी शायद सरकार तो दोनों को मिला के हज़ार रुपया जबकि हाँ। ऐसी नहीं देना चाहिए सरकार को दोनों मतलब एक हज़ार रुपया जैसे जो पेंशन नहीं पा रहा है उस उसके साथ उसको एक हज़ार मिल रहा है तो इनको भी मैंने देना चाहिए मेरे हिसाब से जी लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे ले जाएंगे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं अब तो विधानसभा चुनाव तो नहीं पट गया सरकार भी चली गई भूपेश बघेल सरकार की आप क्या मुद्दों को लेकर वोट करेंगे देखिए बेरोजगारी की तो बहुत समस्या है हमारे छत्तीसगढ़ में अभी क्या है वैकेंसी वगैरह निकाल रहे हैं बच्चों को मैंने प्रलोभन दिखा जा रहा है लेकिन अभी वैकेंसी जो निकाला गया है उसमें फॉर्म फिलअप कर रहे हैं बच्चे लोग पढ़े लिखे एजुकेशन वाले लोग ग्रेजुएशन लोग भी डाल रहे हैं लेकिन अभी तक तो कोई उसका उम्मीद नहीं दिख रहा, दिख रहा है रोड गली मैंने जैसे रोड आप देखेंगे हमारे बरमकेला क्षेत्र से बरमकेला गायब है रोड ठीक से नहीं बना हुआ है रेलवे लाइन हमारे सारंग बिलाईगढ़ जब से बना है उसमें रेलवे लाइन देने का मतलब प्रस्ताव रखा गया है अभी तक तो नहीं बना हुआ है पच्चीस साल से पच्चीस साल 25 साल तक नहीं बना है जी अभी भी देख रहे देखा जाए तो अभी तो कुछ नहीं बना हुआ है अच्छा भाजपा पच्चीस साल से यहाँ पर है अब मेनका देवी सिंह जी यहाँ पर प्रत्याशी बनी बनेंगे हाँ। क्या लगता है बदलाव जरूरी है बदलाव जरूरी है अब बदलाव जनता करेंगे 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 जी ये थे रायगढ़ ज़िले की जनता इनका साफ तौर पर कहना इस बार बदलाव जरूरी है कारण यह है कि 25 सालों से जो वादे भाजपा सरकार ने किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं चाहे मातारी वंदन योजना का हो चाहे किसानों से किए गए वादे का हो देखना यह है लोकसभा चुनाव के बाद मतदान किस ओर रुख दिखाता है नरेश शर्मा छत्तीसगढ़ तक रायगढ़